राहुल गांधी हो गए, चाहे वो अखिलेश यादव हो गए, वह संविधान की बात करते थे, संविधान को लेकर वह आज इतनी बड़ी ताकत में भी आए हैं, लेकिन वो सदन के अंदर जो है वह इस वक्त संविधान बचाने की बात नहीं करते हैं, वह बहुजनों के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, वह रोजगार की बात नहीं करते हैं, वह शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, वह चिकित्सा पे बात नहीं करते हैं, वह बात करते हैं शिव के ऊपर, वह बात करते हैं हिंदुत्व के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, जो अखिलेश यादव और जो गठबंधन था, ये किस नजर से आप देखते हैं? तमाम जनता, तमाम बहुजन समाज के लोगों ने इनको अपने मुद्दों के लिए भेजा था, उन्होंने भेजा था कि वह बहुजनों के हित की बात करेंगे, वह रोजगार की बात करेंगे, वह शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, वह हिंदू हिंदू खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस ने सदैव से इस देश के SC ST को, बहुजनों को छला है, धोखा दिया है, और ये इस बार इनके साथ मिलके इन्होंने इंडिया गठबंधन, जितने भी थे, देखो जितने इंडिया गठबंधन के लोग थे, ये तमाम लोग, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, लेफ्ट वाले हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गए, ये चाहे शिवसेना हो गई वहां की, उद्धव ठाकरे हो, ये सारे डेडली अगेंस्ट है इस संविधान के, भारत के संविधान के, समय समय पे संविधान के खिलाफ बोला है इन्होंने, और इन्होंने हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात की है, हिंदू वो उसकी बात की है, धर्म की बात की है, या जो ये केजरीवाल है दिल्ली का, ये तो 2004 से लेके 6 तक दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट वो यूथ फॉर इक्वलिटी बना के रिजर्वेशन और संविधान के खिलाफ भौंकता फिरता था यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU में, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। आज इन्होंने सिर्फ इन्होंने इस बात को लेकर के कि संविधान बचाना, वोट लेना, लोगों की भावनाओं को, बहुजनों की भावनाओं को भड़का करके इन्होंने संविधान दिखा के, बाबा साहब की फोटो दिखा करके इन्होंने वोट ले लिया। लेकिन जब संसद में ये राहुल गांधी ने और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जब शपथ ली, तो जय हिंद तो बोला उसने, राहुल गांधी ने, जय भीम नहीं बोला। तुमने जय हिंद पहले बोलना था ना, जब तुम चुनाव में वोट मांग रहे थे तब तुम बोलते जय भीम, जब तुम शिव की फोटो दिखाते, जब तुम गुरु नानक की फोटो दिखाते, जब तुम दिखाते जीजस की फोटो दिखाते और तब लोगों से वोट मांगते, तब पता चलता तुम्हें कितने वोट मिलते। महान संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर वोट लेकर के और तुमने छल किया है, धोखा दिया है, तुम्हें सजा मिलेगी इस बात की, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, जिस तरह बहुजनों ने BSP के साथ धोखा करके और तुम्हें संविधान बचाने के नाम पर जिता दिया, उसी तरह तुम्हें फिर परास्त करेंगे, बुरी तरह परास्त करेंगे, और ये इनको इनको चुनावों में देखना पड़ेगा समय समय पर। और इन्होंने बता दिया, अब भी हमारे लोगों के दिमाग नहीं खुले, अगर आंखें ना खुले तो फिर कब खुलेंगे। और ये समाजवादी पार्टी का जो रिजर्वेशन के खिलाफ थे, जिसने की यूपी विधानसभा में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल फाड़ा था, जो ये वो लोग हैं जो जब चुनाव से पहले तो बाबा साहब की फोटो आगे ले रहे थे और जब चुनाव जीत गए तो आखिरी में एक आदमी ने बाबा साहब की फोटो ले रखी थी, तब ये अपने उन जननायकों की फोटो ले रहे हैं। तो भाई, अपने जननायकों की फोटो लेकर के आप वोट मांगते ना, यही वही वही सापा है ना जिसने चुनाव से पहले एक माननीय कांशीराम जी की मूर्ति लगाई थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को परास्त करना था, डिफीट करना था। और हमारे पढ़े लिखे तथा कथित बुद्धिजीवी, जिनकी बुद्धि पता नहीं कहां पर है, वो उन्हीं लोगों के साथ प्रचार में लगे हुए थे अपने बहुजन मूवमेंट के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ, इन मनुवादियों के, इन जातिवादियों के, जो डेडली अगेंस्ट है हमारे हमारे खिलाफ है। तो ये बड़ी वो है, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैं, अच्छा हुआ आपने सवाल किया, मैं बोलना चाहता था कि राहुल गांधी, आपने भाषण में, तुमने चुनाव लेते समय जब भाषण बोले तो जय हिंद क्यों नहीं बोला, जय भीम क्यों बोला, जय संविधान क्यों बोला? तो तुम्हें जब शपथ ली तो जब तुम्हें जय भीम तुम्हें याद नहीं आया। तो ये लोग धोखेबाज मक्कार लोग हैं। अब इन्होंने जीत करके और खुद नेता अपोजिशन बन गए। जब नेता अपोजिशन बनने की बारी आई, किसी दलित को बनानी थी, जब मैं बोलता था ना बहन जी के बारे में कि दलित प्रधानमंत्री पहली बनेंगी, तो हमारे लोग कहते थे जी वो खड़गे साहब दलित नेता, उनको भी तो अध्यक्ष बना दिया, वो उनको कांग्रेस बनाएगी प्रधानमंत्री। मैं कहते थे भूल करके भी प्रधानमंत्री छोड़ो, वो उनको अपनी कुर्सी के पास नहीं खड़े होने देंगे, और वही हो गया, उनको सारे पद छीन लिए, डेलीगेशनों से भी नहीं मिलने दे रहे, वहां से भी निकाल दिए। तो इसीलिए इनकी हैसियत कांग्रेस को पता है, और कांग्रेस से मैं हमेशा बोलता हूँ, कांग्रेस से सावधान रहो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अपने बहुजनों को कह के जा रहा हूँ, मेरे लोगों को, कि कांग्रेस की 25 पैसे 54 की भी सदस्यता मत लेना, इसको खत्म करना, कांग्रेस को सबसे पहला तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि कांग्रेस को खत्म करना, और इसको, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बाबा साहब के स्टेटमेंट है, और अपने आप को जय भीम बोलने वाले, अंबेडकरवादी बोलने वाले, वो आज कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं।
वो इनकी इंडिया गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं जिसमें कि बहुजनों का कोई नामो निशान नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अब ये कह रहे हैं जी कि बेरोजगार नौकरियों की बात तो करते हो भाई, प्राइवेट सेक्टर में निजीकरण की बात कौन करे, उसकी आरक्षण की बात कौन करेगा, कौन बात करेगा कि हमें स्पोर्ट्स में कोटा चाहिए, हमारे भी लोग चाहिए इंडिया क्रिकेट टीम में, फुटबॉल में, हर जगह हमारे लोगों का रिजर्वेशन जो 22.5% चाहिए, हमें भी शिक्षा में रिजर्वेशन, हमारे लोग खुद चलाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमें चाहिए, हमें तीनों सेनाओं में 22.5% रिजर्वेशन चाहिए। इस कांग्रेस ने धोखा किया, इसने हमारा सेना में हमारा रिजर्वेशन लागू नहीं किया, जबकि सरकारी संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात थी, तो ये सरकारी ये सेनाएं भी तो सरकारी हैं, क्यों नहीं हमारे हमारे उसमें रिजर्वेशन लागू करा, क्यों नहीं मीडिया में रिजर्वेशन है, क्यों नहीं इन पूंजीपतियों के इनों में रिजर्वेशन है, जबकि ये राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लेते हैं, इनके इनके लाखों करोड़ रुपए माफ करती है कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के, इन पूंजीपतियों के जो हमारा पैसा है, इस राष्ट्र का पैसा है, तो क्यों नहीं उसमें रिजर्वेशन लागू है भाई। तो ये तमाम बातें हैं, तो हमारी ये लड़ाई कौन लड़ेगा, ये राहुल गांधी नहीं लड़ेगा, ये यहाँ पर एक दो आए हुए जो विकल्प बनने की बात कर रहे हैं, इनके तो दिमाग में भी दूर दूर तक ये बातें नहीं होंगी, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं। तो इसीलिए हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बहन जी लड़ेगी, आकाश आनंद लड़ेंगे, हमारी लड़ाई को बहुजन मूवमेंट के सिपाही लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ सकता है। तो इसीलिए ये जो है मैं इनको धिक्कार देता हूं कि झूठ बोल करके तुमने वोट लिया कांग्रेसियों और इंडिया गठबंधन के लोगों, और आज तुम बाबा साहब को भूल गए, आज तुम भूल गए संविधान को, संविधान में जो एस सी एस टी के राइट है उनको लागू करने की बात नहीं करते हो। तो इसीलिए इनको धिक्कार ही दे सकते हैं और चुनाव में सबक सिखाएंगे जी। जबकि राहुल गांधी तो ये कहते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, इस देश में बहुत सारे हिंदू हैं, मेरी पार्टी में बहुत लोग हिंदू हैं, मैं हिंदुत्व पे काम करता हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं देखो वो तो हिंदू है ही, उसमें शक की क्या बात है, उसने तो जनेऊ दिखाया था, मैं जनेऊधारी पक्का जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और हमारे लोग समझते नहीं है, और उसी ब्राह्मण को जिन जिन लोगों के खिलाफ, जिस विचारधारा के मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, संघर्ष था, बाबा साहब से लेकर के और उनसे पहले महात्मा फूले से लेकर के, जिस मनुवाद के विरुद्ध लड़ाई थी, बिरसा मुंडा की लड़ाई थी, संत गाडगे महाराज की लड़ाई थी, साहू जी महाराज की लड़ाई थी, तमाम महानायकों की लड़ाई थी, आज वो लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए जनेऊधारी ब्राह्मण, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बहुजन मिशन को ताकत देनी होगी। ये थोड़ी लड़ेगा, ये तो है, ये तो खुला कह रहा, ये कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, ये कह रहा मैं हिंदू हूँ, ये कह रहा मैं देवी देवताओं को मानता हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ, जिन देवी देवताओं ने हमें कुछ नहीं दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं ने जब तक हमें कुछ नहीं दिया, जब तक बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करके उसमें सबको न्याय, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर स्वतंत्रता और बंधुता अधिकार नहीं दे दिए, जब तक हमें कुछ नहीं मिला, आज जो हमें कपड़े पहन करके बैठे हैं ये बाबा साहब की और इस महान संविधान की बदौलत है, इन 33 करोड़ों की वजह से नहीं है। तो खुला कह रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन हमारे लोगों की आंखें और बुद्धि बंद हो गई है और उन्होंने धोखा किया, छल किया अपने मिशन से, जिसका भुगतान उनको भी करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।